इस मैसूरु पैलेस का भी इतिहास में अपना एक विशेष स्थान है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव भारत के अतीत को, भारत की विविधता को और भारत के विस्तार को एक सूत्र में पिरोने जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इस बार गार्डियन रिंग ऑफ योगा, ये गार्डियन रिंग ऑफ योगा का ऐसा ही अभिनव प्रयोग आज पूरे विश्व भर में हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है, उदय हो रहा है, उसकी प्रथम किरण के साथ अलग अलग देशों में लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी के चारों ओर योग की रिंग बन रही है। यही है गार्डियन रिंग ऑफ योगा। योग के ये प्रयोग स्वास्थ्य, संतुलन और सहयोग की अद्भुत प्रेरणा दे रहे हैं। साथियों, दुनिया के लोगों के लिए योग आज हमारे लिए केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, प्लीज रिमाइंड, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है। हमारा दिन योग के साथ शुरू हो, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। लेकिन हमें योग को किसी एक खास समय और स्थान तक ही सीमित नहीं रखना है। हमने देखा भी है, हमारे यहां घर के बड़े, हमारे योग साधक दिन के अलग अलग समय में प्राणायाम करते हैं। कई लोग अपने ऑफिस में भी काम के बीच में कुछ देर दंडासन करते हैं, फिर दोबारा काम शुरू करते हैं। हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों न हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें रिलैक्स कर देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है। हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है, हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है और हमें योग को पनपाना भी है। और जब हम योग को जीने लेंगे, योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति को सेलिब्रेट करने का माध्यम बन जाएगा। साथियों, आज समय है कि हम योग से जुड़ी अनंत संभावनाओं को साकार करें। आज हमारे युवा बड़ी संख्या में योग के क्षेत्र में नए नए आइडियाज के साथ आ रहे हैं। इस दिशा में हमारे देश में आयुष मंत्रालय ने स्टार्टअप योगा चैलेंज भी लॉन्च किया है। योग के अतीत को, योग की यात्रा को और योग से जुड़ी संभावनाओं के लिए यहां मैसूरु के दशहरा ग्राउंड में इनोवेटिव डिजिटल एग्जीबिशन भी लगी है। मैं देश के और दुनिया के सभी युवाओं में से इस तरह के प्रयासों से जुड़ने का आह्वान करता हूं। मैं वर्ष 2021 के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा के जो विनर्स हैं, मैं उन सभी विनर्स को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है योग की ये अनादि यात्रा अनंत भविष्य की दिशा में ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे संतु निरामय के भाव के साथ एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से भी गति देंगे। इसी भाव के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।